नाम है आपका? राज नारायण मौर्य। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा लगभग 3 बजे के आसपास, ये रेलवे की लापरवाही कही जाए या रेलवे की लापरवाही 100% है। अगर फाटक नहीं बंद था तो किन कारणों वो ट्रेन इधर से गुजरी? अगर ट्रेन गुजरी तो उसको सिग्नल मिला होगा, और सिग्नल मिला तो गेटमैन को गेट बंद करना चाहिए। गेट नहीं बंद था, मैं लगभग, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मैं अपनी गाड़ियां क्रॉस कराने आया था। लगभग 2:30 से 3 बजे का समय था, क्लियर टाइम नहीं किया था, तो मैंने देखा कि मैं पीछे था थोड़ा, 2 गाड़ियों के पीछे कि गाड़ियां गुजर रही थी, और ये गाड़ी जैसे ही क्रॉस हुई, आखिरी समय बचा था ट्रक का, तो ट्रेन गुजरी और पीछे का इसका हिस्सा लेके चली गई। तो अब इसमें पूरी तरह से हमारी नज़रों के सामने जो भी है, रेलवे डिपार्टमेंट दोषी है और रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।